पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से वो किसी से बात नहीं कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं पिछले कुछ दिनों से। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर द लास्ट फ्यू डेज, फॉर द लास्ट फ्यू डेज। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आप चाहे तो सेंटेंस को लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। यू आर इग्नोरिंग मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। यू आर इग्नोरिंग मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से वो किसी से बात नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन फॉर द लास्ट फ्यू डेज। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन फॉर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब है। ही इज ऑन वेल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ही इज ऑन वेल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। पिछले कुछ दिनों से वे परेशान थे। दे वर अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। They were upset for the last few days. पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही। She is not coming to school for the last few days. She is not coming to school for the last few days.